एक और मंसूबा बंद, लैपटॉप के बाद तालीमी इदारों में टैबलेट्स का मंसूबा भी बंद करने का ऐलान। स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड्स और टैबलेट्स देने के मंसूबे को रोक दिया गया। स्मार्ट बोर्ड्स और टैबलेट्स का मंसूबा महंगा है, वजीर तालीम मुराद राज। दो हजार बीस से यकसां तालीमी निसाब राइज होगा। महकमा स्कूल्स एजुकेशन पंजाब ने यकसां निसाब तालीम राइज करने का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में दो मजामीन से यकसां निसाब तालीम का आगाज किया जाएगा। अफसरान की कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिकमत अमली, आई जी पंजाब अमजद जावेद सलीमी का ट्रेनिंग वर्कशॉप के इनेकाद का फैसला। तमाम आरपीओज डीपीओज को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। एलडीए का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। एलिगेंस गुले दामन वेस्ट वुड हाउसिंग स्कीम में कार्रवाइयां, मफाद आमा की अराजी पर बनी सड़कें मिसमार कर दी। जिसने पेट्रोल लेना है उसने हेलमेट पहनना है। हाई कोर्ट ने बगैर हेलमेट पेट्रोल देने पर पाबंदी आयद कर दी। बिना हेलमेट ईंधन देने वाला पंप सील कर दिया जाएगा। जस्टिस अली अकबर कुरैशी, हेलमेट पहनो पेट्रोल, पेट्रोल पंप मालिकान ने भी नोटिस लगा दिए। नॉनस्टॉप महंगाई, नान रोटी भी महंगी। नए पाकिस्तान में नान रोटी के लाले पड़ गए। कहीं गैस प्रेशर, कहीं एलपीजी और लकड़ी महंगी होने का रोना। तनूर माफिया भी खुद सर हो गए। रोटी दो रुपए महंगी कर दी। दस रुपए वाला नान अब बारह रुपए में मिलेगा। घरों से गैस गायब, बाहर से रोटी महंगी, आवाम दोहरी अजियत का शिकार। नान रोटी महंगी होने पर शहरी बिल बिला उठे। महंगाई की सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर है, शहरियों की दुहाई। घरों में गैस नहीं आती, तंदूरों पर जाएं तो नान भाइयों ने नान महंगे कर दिए। कहां से रोटी पकाएं, क्या खाएं, शहरियों के हजार शिकवे। अवामी रिक्शा यूनियन एलपीजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़कों पर आ गई। मुजाहिरीन का एलपीजी माफिया और जिले इंतजामिया के गठजोड़ के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन में रिक्शा ड्राइवर्स, खवातीनों और बच्चों की भी शिरकत। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इंतजामिया ने यकीन दहानी के बावजूद एलपीजी की कीमतें कम नहीं की। मजीद गौरी की गुफ्तगू। एहतजाज के बाद ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शिमला पहाड़ी के अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। यह है नया पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला पंजाब से इंतहाई खुश। वज़ीर आला पंजाब की देहाती सायरीन से मुलाकात की तस्वीर ट्वीट कर दी। इस तस्वीर की अहमियत 1000 अल्फाज से ज्यादा है, इमरान खान की ट्वीट। क्या नए पाकिस्तान में यही मेरिट है, आपने ऐसे मुल्क चलाना है। डॉक्टर वसीम को निश्तर अस्पताल इसलिए लगाया कि वो वज़ीर आला बुज़दार का सिफारिशी है। निश्तर अस्पताल मुल्तान तकर्री केस में चीफ जस्टिस सेक्रेटरी सेहत पर बरस पड़े। हम डॉक्टर वसीम की तकर्री का नोटिफिकेशन वापस लेते हैं, सेक्रेटरी सेहत। अब आप रहने दें, कल वीसी निश्तर को पेश करें चीफ जस्टिस साकिब निसार। किस का किस से क्या ताल्लुक है सब मालूम है। अब सियासी दबाव से निकल आए चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए घर वालों और पार्टी रहनुमाओं की आमद। मरियम नवाज, वालदा शमीम बेगम, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, अयाज सादिक की मुलाकात। राना मोहम्मद इकबाल, जुबैर गुल और राना तनवीर भी पहुंचे। मरियम नवाज घर से वालिद के लिए खाना लेकर आई। दो कुर्सियों और एक प्लास्टिक का मेज भी जेल पहुंचा दिया गया। अहले खाना मुलाकात के बाद जेल से वापस रवाना। मतवालों की जेल के बाहर नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। इमरान खान मसनूई वजीर आजम है, ज्यादा देर तक नहीं चल सकते, एहसन इकबाल का जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा नून लीग में क्यादत का कोई फुकदान नहीं। सी पैक का बानी और दहशतगर्दी खत्म करने वाला जेल में है, मुल्क का मजाक बनाने वाला वजीर आजम है। साबिक वफाकी वजीर राना तनवीर का कहना है कि हम अदालती जंग लड़ेंगे। पीटीआई वाले एनआरओ के मामले पर शोबदबाजी कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रॉयल पाम क्लब इंतजामिया तहलील, रॉयल पाम गोल्फ कंट्री क्लब को अदालती तहवील में ले लिया, लीज होल्डर्स का क्लब में दाखिला भी बंद। रेलवे के राजी 3 साल से ज्यादा लीज पर देने पर पाबंदी आयद, रॉयल पाम क्लब की मैनेजमेंट फर्गोसन कंपनी के सुपुर्द, रमजान शेख और मैनेजमेंट को रॉयल पाम क्लब का कब्जा फर्गोसन कंपनी के हवाले करने का हुक्म। रॉयल पाम वाले बासर हैं, आधा मुल्क इनकी बात मानता है, रेलवे की एराजी रेलवे के पास ही रहेगी, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रॉयल पाम पर तारीखी फैसला किया, मेरा दिल चाहता है कि पीएसी की सरबराही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊं, शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन पर फिर वार, बोले चोर इकट्ठे हो रहे हैं, चौकीदार का किरदार अहम है। आसिफ जरदारी पहले ही कहते हैं कि जेल उनका ससुराल है। आसिफ जरदारी साहब ने मेहंदी लगा ली, झूमर पहन लिया, जेल जाने को तैयार। नून लीग का 30 दिसंबर को यौम तासीस मनाने का ऐलान, कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की जेर सदारत इजलास, मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास। परवेज मलिक, तौसीफ शाह, मियां तारिक, नजीर सवाती समेत पार्टी रहनुमाओं और अहदेदारों की शिरकत, इंतजामात के लिए कमेटियां तश्कील। यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल की बहाली का मिशन, चीफ जस्टिस ने फंड रेजिंग मुहिम का आगाज कर दिया, अस्पताल की बहाली के लिए 1 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। अस्पताल की बहाली के लिए 7 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी बनाने और अस्पताल का गुज़िश्ता 10 साल का ऑडिट कराने का भी हुक्म। क्रिश्चियन कम्युनिटी के डॉक्टर पीटर जे डेविड का 1 करोड़ रुपए का हत्या, चीफ जस्टिस की क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी से इमदाद की अपील। शालम मार्केट में तजावजात का मामला हुकूमत के गले की हड्डी बन गया, जिले इंतजामिया और ताजिर आमने सामने, पंजाब हुकूमत ने 8 रुकनी कमेटी बना दी, 1 हफ्ते में तमाम रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। लेन देन के तनाजे में मुदाखलत एसपी मां जफर को महंगी पड़ गई, महकमा ने इंक्वायरी शुरू। शालम मार्केट में प्लाजा मालिकान से शाहिद बिलाल नामी शख्स के झगड़े में पुलिस अफसर की एंट्री, मां जफर ने पुलिस की भारी नफरी भेजकर दुकानों के ताले तोड़वा दिए, आला हुकूमती शख्सियत के फोन पर इंक्वायरी लग गई। सीनियर सूबाई वजीर का पार्किंग कंपनी पर अदम एतमाद, इंतजामिया को 1 हफ्ते की मोहलत, नया प्लान मांग लिया। अब्दुल अलीम खान कहते हैं आवाम को फायदा ना हुआ तो पार्किंग कंपनी बंद कर देंगे, मुख्तलिफ इलाकों के लिए पार्किंग रेट भी मुख्तलिफ होने चाहिए, शहर से पार्किंग की मद में कम अज कम 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाए। उम्र भर चिमटा बजाया, नाच गाकर कौम की खिदमत की, सिले में कुछ ना मिला, फनकार बिरादरी अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आ गए। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, वजीफों की बहाली का मुतालबा, वजीर इत्तलात का नोटिस, फनकारों को मुजाकरात के लिए बुला लिया। और तस्वीरें बोलती हैं रंगों की जुबां, अल्हम्ब्रा में गुलबर्ग कॉलेज के शोभा फाइन आर्ट का डिग्री शो, ऑयल और वाटर पेंट से कैनवस पर इंसानी रवैयों की शानदार अक्कासी, देखने वालों ने तलबा की महारत को खूब सराहा।